हेलो दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा आपको कि आटा कैसे बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आटा होते हैं, जैसे गेहूं के आटा, मैदे के आटा, मगर आज हम बनाएंगे सिंपली जो ये राइस का, चावल का आटा का जो बैट है, जो बैट वो कैसे बनाते हैं। वो सिंपल सा मेथड है इसके बनाने के लिए। सबसे पहले हमने जितना बनाना है उसी के हिसाब से हमने पानी लिया, पानी को हम उबालना है पहले, ठीक है। ओके, पानी को हम उबाल रहे हैं, जब तक नहीं उबल जाए तब तक इसमें कुछ नहीं डालना है। और हमने लिया है इधर आटा, ये राइस का आटा है, और शक्कर भी लिया है इधर, खांड जिसको हम शुगर बोलते हैं, ये भी हमने लिया है, ये भी हम डाल सकते हैं। इसका कोई मकदार नहीं है, जितना डाल सकते हैं उतना डालो, जितना आपको पसंद है उतना डालो। हाँ, उसके बाद जब ये उबलेगा हाँ दोस्तों, अब ये पानी उबल रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये डालेंगे, एक ही साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा होकर डालना है इसमें से ये आटा, और इसको स्टेयर करना है, इसको हिलाना है, और इसमें गांठ नहीं रहना चाहिए, है ठीक है। देखिए इसका ये थोड़ा पतला सा हो रहा है, उसके बाद हम फिर डालेंगे इसमें थोड़ी थोड़ी, और हल्की गैस को थोड़ा हल्का ही रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें गांठे नहीं होने चाहिए, ये मोटा हो रहा है, देखिए पतला हो रहा है, और ये धीमा रख सकते हैं हल्की। देखिए दोस्तों, ये मोटा हो रहा है, अब इसको हिलाते रहना है तब तक जब तक ये पूरा ना मिक्स हो जाए, ये जो आटा है ये पूरा ना आ जाए। देखिए इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हैं किसी भी टाइम। हम आप अभी इसमें थोड़ा सा शक्कर डालेंगे, हम इसमें शक्कर किसी भी टाइम डाल सकते हैं, पानी के साथ जब ये खाली पानी होगा उस टाइम भी डाल सकते हैं, और इस टाइम भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको तब तक फैलाते रहना जब तक इसमें से ये पानी इतना निकल जाए, और थोड़ा और ये इसका खास ख्याल रखना है कि थोड़ा थोड़ा होकर इसमें डालना है ये आटा, और पूरा इसको हिलाते रहना, ठीक है।